सच्ची बता रही है, सच्ची घटना है। कोई सच्चे दिल से मांगेगा ना, उसकी खाली झोली भरेगी, वो भी बागेश्वर धाम पे। और मेरे बेटे को हर एक ने दुआ दी, वो मैं कहती हूँ गुरुजी आपकी, आपकी महिमा है ये, आपकी। आ जाओ, शॉल डाले हुए बैठे माता जी, नजदीक आ जाओ। कहाँ रहते हैं? लंदन में ही। माइक लो ना। बोलो क्या बात। मैं काफी सालों के बाद प्रेग्नेंट हुई हूँ, अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं चाहती मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक रहे। कोई बात नहीं, और कोई बात? और 11-12 साल हो गए मुझे वीजा का प्रॉब्लम हो रहा है, फाइल लग गई है। अभी हुआ नहीं है? अभी नहीं हुआ। हमने लिखा पढ़िए। आप दोनों पर कृपा होगी, आशीर्वाद एवं संतान संतति का प्रश्न है। गर्भस्थ हैं, मनोरथ स्वस्थ व पूर्ण होगा, चिंता ना करें। आशीर्वाद यही है, बराबर यही है। जाओ, चिंता मत करो, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ होंगे। और वेट को लेकर के भी परेशान है, डॉक्टर ने थोड़ी सी दिक्कत बताई, वजन नहीं बढ़ रहा है, यह दिक्कत बताई, उसकी चिंता छोड़ो। बराबर ऑक्सीजन है, बढ़िया स्वस्थ होगा और बढ़िया वेट का होगा, दीर्घ आयु होगा। और जो पुत्र कामना भी तुम्हारे मन में है वो भी आगे पूर्ण होगी, आशीर्वाद है। मेरा वीजा बस आ जाए मुझे भाई, उस पर भी कृपा हो जाए। मेरे हस्बैंड कह रहे थे, मैं यूट्यूब पे पता नहीं 1-1.5 महीने से लगातार देख रही हूँ, और रात को भी जब भी उठती हूँ बस आपको ही देखती हूँ। खूब कृपा हो। और घर वालों का तो मतलब विश्वास ही नहीं इन चीजों पे, क्योंकि हम पंजाबी हैं, तो पता नहीं मेरे साथ चमत्कार हुआ है आज। बालाजी की दया। देखो, विश्वास होने या ना होने से हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान अपनी लीला करते हैं। दूसरी बात बहन, बड़ी करोड़ों की बात हम ये बताएं, उन्हें जिनको जोड़ना है वो अपने आप बुला लेते हैं और कृपा कर देते हैं, चाहे आप जहां बैठे हो। अब आज अभी लग रहा था कि हम दरबार विराम कर रहे हैं इस बच्चे के बाद, फिर खबर लगी, फोन आया टेलीफोन के, 2 अर्जी और लगानी। मैं कैसे आऊंगी बागेश्वर धाम, मुझे तो कुछ बुलाएंगे, समझ ही नहीं है। आपको बालाजी बुलाएंगे, ऐसे ही बुलाएंगे जैसे अर्जी लग गई। खुश रहो। आपको अभी जाके एक उपाय करना है, ठाकुर जी की पूजा करनी है, गोपाल जी के, ठीक है? क्योंकि तो आपने रख रखे हैं बड़े अच्छे से ठाकुर जी, एवरीडे आप उनको प्रसाद लगाते हैं। आज भी ठाकुर जी को लगाया कि आप ही हमारे बच्चे के रूप में पधारो घर पर। यही बोला था जब आप पूजा कर रहे थे, जब आप प्रसाद लगा रहे थे, तब हम वहीं बैठे बैठे सुन रहे थे, उसी वक्त थोड़ा सा पानी गिर गया आपका। और मैंने हनुमान जी को कल, मैं जोत जगाती हूँ मंगलवार की चमेली के तेल की, तो मैंने खुद गुड़ का प्रसाद नहीं खाया, मैंने हस्बैंड को बोला कि आप ले लो घर से निकलते निकलते, तो इन्होंने खाया। अब आप आया करो धाम, कैसे भी बन के आया करो, जाओ दोबारे, बर्क पर भी कृपा हो, वीजा पर भी कृपा हो, और खुशी जैसे ही आवे घर में मंगल होगा, पक्का है, अद्भुत होगा। मिलना था ना, तो मैंने आज जॉब से छुट्टी ले ली, तो मैंने कहा आज पक्का जाएंगे। नहीं, ऐसी ऐसी छुट्टी लेते रहो बीच बीच में, हम 9 दिन हैं यहाँ। नहीं, नहीं, मैं तो आज लेके ही जाना है, कुछ भी हो जाए जाएंगे ही जाएंगे, आज दर्शन करके ही आएंगे। क्या बात, बहुत इच्छा है तो जाएंगे ही जाएंगे आज दर्शन करने के लिए, कुछ भी हो जाए। खैर, आए तो तुम जबरदस्ती हो इसके लिए, लेकिन आए है तो अच्छा है, इसके लिए मैं पता। अच्छा, इनके लिए आए, हमारे लिए तो आए नहीं, आपके लिए। बताए क्या कह रहे हैं, इसके लिए आए हैं, इसकी बहुत इच्छा थी इसलिए जॉब पर छुट्टी ली है, बाकी गुरुजी जाएं बाहर में। नहीं गुरुजी, आज जॉब पे बहुत है। हम समझ गए, बहुत इमरजेंसी थी, बहुत मुश्किल थी गुरुजी, बस। लेकिन हम तुम्हारे घर में भी थे,
जब प्रसाद देख रहे थे, लड़ाई देख रहे थे, बातें नोक झोंक सुन रहे थे, आते समय भी नोक झोंक सुन रहे थे, गाड़ी में भी सुन रहे थे कि बॉस का प्रेशर है, काम का प्रेशर है, दिमाग में चल रहा था। वो भी हम जब चल रहे थे तब गाड़ी में भी हम बैठे हुए सुन रहे थे, इसीलिए तुम्हें बुलाया है कि जाओ, जय जय हो जाए, आशीर्वाद। और एक बात, आपने तो पहले से हमें बताया नहीं, नहीं परिचय पे तो आपने पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ ना कुछ तो है, बहुत कुछ। एक बात, भक्त, अभक्त को अगर भक्त बनाओ तब तो चमत्कार है। जाओ, आज से खूब भजन करना है, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का तुम्हें जाप करना है और धाम भी आना है, और हम बुला लेंगे वीजा की प्रॉब्लम सॉल्व करवा के। खुश हो, हमारे पास दोनों डिपार्टमेंट है, अगर शक्ति बल पे वीजा नहीं बनेगा तो हमने जिनको पकड़ रखा है वो बनवा देंगे। खुश रहो, आशीर्वाद, जाओ, खूब भक्ति बढ़े आपकी बहन। और जैसे तुम हनुमान जी को कई बार भैया पिताजी मानते ना, हाँ जी, आप हनुमान जी को भैया मानते हैं, हाँ जी, भाई मानते हो, रक्षाबंधन पर तिलक लगाते हो, हाँ जी, ठीक है, तो हम भी तुम्हारे भाई हैं बहन। अब आप सोचो कि हम तुम्हारे घर की पूजा मंदिर में कितने रहते हैं। जाओ, आशीर्वाद, खुश हो। जुग जुग जी, अब भूलना नहीं है, पांव पर मुड़ धर के पर छुट्टी है ली जॉब से, लोगाई के चक्कर में, हमारे चक्कर में तो ली ना, खुश, आजा नजदीक, आजा, खुश, जुग जुग जी, खूब खुश है, क्या अब भूलना नहीं है, जाए जाए, खुश रहे, आशीर्वाद। लो भैया, जा तो तुम्हारी अर्जी भर में निपट गई। हमारे हनुमान जी ऐसी है लीलाधर। कल हम एक चर्चा आपको बहुत अच्छी खुशखबरी बताएंगे। सामने ये जो लाला बैठा ना, कहाँ गई, ठाकुर जी को लेके गए ना, कल ना कथा का प्रभाव है, ये जो बच्चे हैं ना, प्रणव नाम रखा, प्रणव, ये कथा की ही देन है। पिछले साल इन्होंने कथा सुनी थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि बहुत कठिन है, बहुत दिक्कत है, बहुत मुश्किल है, लेकिन व्यासपीठ से निकल गया था कि भगवान ने चाहा ठाकुर जी होंगे, भगवान की कृपा से बेटा भी हुआ, और अब ये पूरी कथा उस बेटा को सुना रही। तो इनकी चर्चा ना कल सुनेंगे कि आज ही सुनना है। हाँ, तो माइक दो ना, जरा माइक दो, इनकी चर्चा सुनते फिर आरती करते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाना है, यहाँ नहीं रुकने का। बाबा सीताराम, साधु जी सीताराम, जय श्री बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गुरु भगवान की। पिछले साल मैं जब यहाँ अक्टूबर में आई तो मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, पर उससे पहले मैं बहुत बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, मेरे इतने मिसकैरेज हो चुके हैं, और डॉक्टर ने तो बोला था कि बेबी नहीं होगा, तो अगर आप प्रेग्नेंट भी हो जाते हो तो वो सक्सेस तो कभी होगा ही नहीं। तो फिर मैं यहाँ पे पता नहीं एक डेढ़ महीने के करीब देखती रही, तो मुझे ये था कि पहले ही मैं हनुमान जी की पूजा करती थी, दीपक जलाती थी सैटरडे और ट्यूसडे को। तो जब मैंने गुरुजी का देखा तो मुझे रात में सपने में गुरुजी दिखने शुरू हो गए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि कभी जब ये लंदन में आए तो मैं इनके दर्शन करने ज़रूर जाऊंगी। मेरे हस्बैंड पंजाबी हैं तो वो कहते कि पता नहीं किस किस को देखती रहती है। मैंने कहा नहीं, आप ऐसे मुझे मत रोकना। तो फिर जब मुझे पता चला गुरुजी लंदन आए हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गुरुजी आ गए हैं, शायद उन्होंने मेरी बात सुन ली है, तो आप मुझे वहाँ पे लेके जाओ, मैंने उनके दर्शन करने हैं। तो हम ये काम में बहुत बिजी थे, तो ये कहते कि ये पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा नहीं, जैसे तैसे मुझे लेके जाओ। तो हम घर से निकलते झगड़ा कर रहे थे, वो पर्चे में भी लिख के आया ऐसा सब कुछ। तो फिर क्या हुआ, जब हम गाड़ी में बैठे थे तब भी हमारी बहस हो रही थी, तो मैंने कहा कि कहते कि क्या पूछना है तूने।
मैंने कहा मुझे वीजा का इशू चल रहा है पिछले 12-13 साल से, एक तो मैंने वो भी पूछना है और एक जो बेबी का है, मुझे पता है कि ये सक्सेस तो होगा नहीं, तो चले जाती हूँ पूछ लूंगी ऐसे, है ना। तो ये दो चीजें तो दिमाग में चल ही रही थी मेरे, तो मुझे कहते कि हाँ हाँ पूछ लेना। तो मैंने कहा, ये कहते कि अगर स्टेज पे बुला ले तो जाना, बेइज्जती करवाना अपनी, ऐसे करके, तो मतलब मेरी इंसल्ट कर रहे थे। मैंने कहा ऐसे मत बोलना, कि आप ऐसे मत बोलो लाइक, है ना। तो क्या हुआ कि जब हम वहां पे बैठे तो इन्होंने सबसे पहले बेल्ट उतार दिया। तो मैंने कहा आपको पता है कि यहाँ पे अर्जी लगनी है ना, तो हम जल्दी जल्दी माथा टेंगे कि बाहर से निकल जाते हैं, मतलब हमें गुरु जी के दर्शन हो गए हैं। जब भी मैंने गुरु जी को देखा, मेरे आंखों से इतने आंसू निकल रहे थे कि मैं ऐसे सोच रही कि साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े हैं, साक्षात। तो मैं ऐसे सोच रही थी, मेरी तो छोड़ो, क्योंकि मेरी तो फीलिंग्स थी, मैं सच में बोल रही हूँ, पर मेरे हस्बैंड की जो ये इनको देख के, गुरु जी को देख के ये मुझसे निकला, क्या ये सच में ही भगवान है ऋतु, ये सच में भगवान है। मैंने कहा क्या बोला था मैंने आपको। तो फिर जब ऐसे ही हम, तब 8 अर्जियां थी उस दिन, आई थिंक 11-12 अर्जियां लगी थी, तो 8-9वीं अर्जी में गुरुजी ने हमें बुला लिया। तो इनके रोंगटे खड़े हो गए कि बात सोचते ही कि कैसे हो गया ये चमत्कार। फिर गुरुजी ने वहां पर्चे में लिखा, कुछ भी हो जाए बच्चा सक्सेस में ही होगा और बेटा होगा। मेरे मन में वो इच्छा थी कि लड़का ही हो, तो वो सच्ची हुआ कि वो लड़का हुआ। और जो ये हुआ कि कितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आए, और एक बात बताऊं, मैं एवरी डे हॉस्पिटल जाती थी, सुबह 8-10 पे, 8:30 मिडनाइट में आना, कभी दोपहर को आना, कभी शाम को आना, एवरी डे स्कैन, एवरी डे ब्लड टेस्ट, डॉक्टर कहते कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तब भी एंड तक, इवन देन जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हुई, डिलीवरी वाले दिन इतनी कॉम्प्लिकेशन थी, समझो कि मैं, मतलब डॉक्टरों ने जवाब ही दिया था कि क्या हो सकता है, कुछ नहीं है, सॉरी ये गोड़ के हाथ में, अभी क्या हो गया एंड। तो मेरे मन में वही था डिलीवरी के टाइम में, ओम बागेश्वर आय नमः, मैं हनुमान चालीसा 24/7 लगाती थी, और इनको इतना विश्वास हो गया था कि ये कहते थे कि इसके सर पे ओम बागेश्वर आय का नमः का जाप लगा के रखो डिलीवरी के फुल टाइम में, तो ये सक्सेस होगा ही होगा। तो वाकई ये सच्ची बात है, वहाँ पे हॉस्पिटल में सब ने मुझे बधाई दी कि वाकई तो ये सक्सेसफुल स्टोरी, और ये मेरी हिस्ट्री में लिखा गया, मेडिकल हिस्ट्री में, सीरियसली मेडिकल हिस्ट्री में मेरा लिखा गया कि ये सक्सेस केस जो मेरे सामने आया है। तो ये मेरी सक्सेसफुल स्टोरी है, मैं यही सबको कहती हूँ, जिनको विश्वास नहीं है ना, वो कहते हैं ना भगवान नहीं है, ये है वो है, दूसरे धर्मों के लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं, मैं सच्ची बता रही हूँ, ये सच्ची घटना है। कोई सच्चे दिल से मांगेगा ना, उसकी खाली झोली भरेगी, वो भी बागेश्वर धाम पे। और मेरे बेटे को हर एक ने दुआ दी, वो मैं कहती हूँ गुरुजी आपकी, आपकी महिमा है ये, आपकी, सबकी दुआएं लगी हैं मुझे, सबकी। और जब मुझे ये आपकी झोली खाली मेरी आपने भरी है ना, खाली झोली, सब मेरे इंडिया वाले जो मेरी सारी फैमिली हैं उनके भी बस वही आपका ही गुणगान गाते हैं कि बागेश्वर धाम से खाली झोली भर गई, ऋतु तेरी खाली झोली भर गई, इस बांझ की खोख आपने भरी है। बालाजी एक बार खूब साधु बाद दो जय श्री राम बोल करके, ये बालक खूब दीर्घायु, जय श्री राम, ये बच्चा खूब दीर्घायु, बड़ा प्यारा मुटकू है। गुरुजी इस पे अपना आशीर्वाद बनाए रखा, और ये कभी भी बुरे काम में ना जाए, मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहे। जब आप माता पिता ऐसे धार्मिक होंगे, निश्चित रूप से संतति भी धार्मिक होगी। एक बार पुनः धन्यवाद, ताली बजाकर। ये कथा का प्रतिफल है, इन्होंने जो कहा हमको ईश्वर नहीं है, ना हम भगवान है, ना ऐसा कुछ है, साधारण इंसान है, बहुत ही नालायक आदमी है, अनपढ़ गवार है, हमारे चक्कर में इनकी बातों में बिल्कुल मत पड़ना। नहीं गुरुजी, ये तो आप साक्षात भगवान हो, आप साक्षात भगवान हो, साक्षात,
और आपका जब से ये बेबी हुआ है मैं तब से तड़प रही हूँ, रोज रोती हूँ, कब आओगे, जब टीवी ऑन करती हूँ फोन पे सारा दिन होती हूँ बस यही, भगवान आप कब आओगे, कब मेरे बच्चों को गोदी में लोगे, खिलाओगे, आशीर्वाद दोगे। बिल्कुल, तब गोदी में कब लोगे इसको? अभी कथा के बाद। ठीक है गुरु जी, ठीक है, आरती हो जाए आज की कथा। थैंक यू गुरु जी, स्वागतम। आज की कथा यही विराम करते हैं, सबका मंगल हो गया। ये भाव हमारा बताने का और कोई ध्येय नहीं या प्रचार का कोई ध्येय नहीं, ये बताने का हमारा मतलब ये था कि कथा का प्रतिफल ये होता है।